मोदी सरकार ने बीते 5 साल में पाक को अपने कूटनीतिक दाव से वैश्विक पटल पर हर तरह से नंगा कर दिया। इस दौरान पाक का साथ देने आया उसका मित्र चीन को भी कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हाल ही में यूएन में हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के दौरान चीन पाक का साथ देने आया, लेकिन मोदी की कूटनीतिक दाव के आगे पूरी दुनिया एकजुट होकर भारत के समर्थन में खड़ी हो गई और चीन को आखिरकार झुकना पड़ा और फिर हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने से चीन रोक नहीं पाया। बीते 5 साल में दुनिया भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखने लगी है और यही चीन से देखा नहीं जा रहा है। बीते दिन LAC के समीप जब भारतीय सैनिक का एक दल गश्त लगा रहा था, तभी बौखलाहट में चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया। चीनी सैनिकों की ये हिमाकत देख भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। दोनों सेनाओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। चीन को लगा कि भारतीय सैनिक पहले की ही तरह उसकी गीदड़ भभकी देख अपना पांव पीछे कर लेंगे, लेकिन इस नए भारत का तो नया तेवर है। चीनी सैनिकों की हिमाकत का भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल दोनों तरफ से वहां सेनाओं की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। तनाव को कम करने के लिए स्थापित द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत दोनों पक्ष ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत को सहमत हैं। चीन के पास बातचीत के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि ये नया भारत अब उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देने वाला है।